हाय गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम रहता है कि हमें फ्लैट टमी चाहिए, फ्लैट बेली चाहिए, बिल्कुल एकदम लाइक लीन बॉडी चाहिए। और जब ऐसी बात आती है तब इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताओ। सो परमानेंट ऐसा होना बहुत ही रेयर केस है और बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको कोई भी फंक्शन अटेंड करना है, कोई भी इवेंट अटेंड करना है, या आपको बिल्कुल लीन दिखना है और आपको चाहिए कि नहीं मुझे बिल्कुल एकदम पतला दिखना और मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज़ पहननी है जिसमें मैं बिल्कुल लीन दिखूँ, तो इसके लिए आपको ना अपनी बॉडी को 1 से 2 हफ्ते पहले प्रिपेयर करना चालू करना पड़ता है। आप उसकी जो प्रिपरेशन है वो क्या क्या है ऐसी कि हम बिल्कुल लीन दिखे। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले आपने डिमांड किया कि ओ मुझे 4 दिन बाद बिल्कुल लीन दिखना है और हम कैसे होंगे, हम जीरो सॉल्ट कर लेते हैं, हम जूस डाइट पे आ जाते हैं। ऐसे करना आपकी बॉडी को एक तरीके से नुकसान पहुँचाने वाली बात है या हर्ट करने वाली बात है। नंबर 2, अगर आपको इस तरीके की चीज़ चाहिए कि आपको बिल्कुल फ्लैट बेली या फिर बिल्कुल फ्लैट टमी चाहिए, उसके लिए आपको 2 वीक पहले ही मेहनत अपनी चालू कर देनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में एक सिंपल सा डाइट आप पिक करें जिसके अंदर खूब सारा फाइबर हो, कार्ब्स हो, प्रोटीन हो, बट मेक श्योर कि जो डिनर होता है दैट शुड बी लिक्विड, या फिर आपके सूप्स हो या फिर आपके कुछ शेक्स हो, बट मेक श्योर वो भी शुगर फ्री हो, बिल्कुल भी उसमें मीठा नहीं जाना चाहिए। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक फ्लैट बेली सूप या फिर एक जस्ट सूप, जिसकी हेल्प से अगर आप उसको रेगुलर लेते हैं 1 वीक तक, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही यमी है, सच में बहुत यमी है। वो आपको लिया जा सकता है। अगर आप इसको 1 वीक तक रेगुलर लेंगे, आपका जो बेली है, आपका जो टमी है वो बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। और उसके बाद कोई नाइट ड्रिंक हमें नहीं चाहिए। मेक श्योर 3 बजे के बाद एक तो आप अपना सॉल्ट का इंटेक जो है वो बिल्कुल हटा दें। एंड अगर आपको लगता है कि बीपी लो है तब आप अपने सूप के अंदर सॉल्ट का इंटेक लीजिए, अगर नहीं है देन इट्स ओके। ये जो सूप है ये वन ऑफ माय फेवरेट है और इस सूप के अंदर मैंने दाल भी ऐड करी है जिसकी हेल्प से आपको वीकनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी। और रेसिपी जो है वो जस्ट 5 मिनट्स में बनने वाली है। इस सूप को लेने के बाद आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगली मॉर्निंग जब आप उठोगे आपका जो टमी है वो बिल्कुल ही लाइट फील होगा। और भूख ज़रूर थोड़ी बहुत लग सकती है, थोड़ी बहुत भूख डेफिनेटली लग सकती है, बट मेक श्योर कि उसको भी अगर आप कंट्रोल करके चलेंगे तब आपका जो अगले दिन है वो टमी जो है वो फ्लैट दिखना 1 या 2 दिन के बाद नज़र आ जाएगा। मैं काफ़ी, जब भी मैं इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करती हूँ सो मैं अपने बॉडी के ऊपर काम करती हूँ। और मुझे कुछ इवेंट अटेंड करना पड़ता है तब भी मैं अपनी बॉडी के ऊपर काम करती हूँ। बट अगर आप ये सोच के चलते हो कि आपका फ्लैट बेली और फ्लैट टमी परमानेंट रहे और आप ऐसी ही फिगर अचीव करें, दैन आपको अपने लाइफस्टाइल में बहुत मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे। बहुत स्ट्रिक्ट तरीके का एक लाइफस्टाइल आपको अपना ऑप्ट करना पड़ेगा। सो ये सूप बनना कैसे है, इसकी रेसिपी क्या है, चलते हैं किचन। ओके, सो ये जो सूप है इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है एंड बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बनेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कैरेट, जिंजर, अनियन एंड मूंगफली दाल 2 चम्मच। सो वेरी सिंपल, स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने लेना है एक प्रेशर कुकर, 5 मिनट्स में बनेगा ये। उसके अंदर मैंने डाला ऑयल। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे अनियन। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी जिंजर। नेक्स्ट कैरेट, ये मैंने 2 गाजर 1 पर्सन के लिए कट करी है, 2 कैरेट्स मीडियम साइज की। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है दाल, ये वॉश की हुई दाल है और इसके मैं लूँगी 2 चम्मच, 1 चम्मच और 2 चम्मच। ये हम 1 पर्सन के लिए बना रहे हैं। इसके अंदर मैंने डाल दिया है गर्म पानी ताकि मेरा जो सूप है वो जल्दी बन जाए। 1 गिलास जितना गर्म पानी, परफेक्ट, क्योंकि मुझे ये जो सूप है ये काफ़ी थिक चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ हिंग पाउडर, पिंच ऑफ भुना हुआ जीरे का पाउडर। दैट्स इट। और इसको अब हम ऐसे विसल कराएंगे, 3 विसल कराएंगे, 1 तेज आंच पे और 2 सिम आंच पे। 3 विसल्स के बाद गैस बंद, और अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ओके, और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे, हैंड ब्लेंडर से, मिक्सर में, ग्राइंडर में, जहाँ पे भी आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे। ओके, सो ये जो सूप है ये ठंडा होने के बाद मैंने ब्लेंड कर दिया है। इसको हल्का सा गर्म और करेंगे और उसके बाद दिस सूप इज रेडी। And the soup is ready and your dinner is absolutely ready. Welcome back जी। So ये सूप कौन कौन ले सकते हैं? ये सूप हर कोई ले सकता है। अभी ऑरेंज कैरेट्स मिल रहे हैं बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे विंटर्स आएंगे, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, तब रेड कैरेट्स ज़्यादा मिलेंगे। सो आप रेड कैरेट भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। एंड ये जो सूप है ये बहुत ही यम्मी है। इट्स रियली सिंपल एंड इट्स रियली हेल्दी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिच सोर्स ऑफ फाइबर है एंड इससे भूख बिल्कुल नहीं लगेगी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप बहुत ही लाइटर एंड हेल्दी फील करेंगे। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। सो जिन जिन लोगों को इस सूप लेने के बाद फ्लैट बेली मिला है वो लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताएं। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। सो आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।